कभी खेत में भी गया हूँ गुजरते वक्त, कोशिश करता हूँ कि कीड़े मकोड़े भी अगर गुजरे तो अपना रास्ता बदलूं। मेरी दुआ भी वैसे मालिक से यही रहती है कि मेरे पैर के नीचे आके एक मकोड़ा कीड़ी भी ना मरे, क्या बात, यानी मेरी इज्जत से नुकसान का भी। बस 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 बस। और जो ऐसी नेचर रखते हैं ना आलमगीर भाई, शायद वही आप जैसा काम करते हैं। आपको शायद पता नहीं है, आप हरियाणा में हीरो हो। आलम भाई, दादी को लेके हिंदुस्तान गवा रहे हो। मोहम्मद आलमगीर और मैं, हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो गुफ्तगु हम लोग रोज़ाना करते हैं या कभी कभी करते हैं, वो गुफ्तगु हम लोग रिकॉर्ड करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। और मोहम्मद आलमगीर भाई तो भाई बड़े मसरूफ़ से रहते हैं, और उनसे जब भी हमने टाइम के लिए इल्तिजा की, उन लोगों ने कहा कि भाई मैं मसरूफ़ हूँ, मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो जाहिर सी बात है रोज़ी रोटी पहले, ये सब तो चलता रहता है। और आज जाके मोहम्मद आलमगीर भाई ने हमें वक्त दिया है, और हमारी खुशकिस्मती कि वो हमारे साथ आज बातचीत करेंगे। और बातचीत का मुद्दा कुछ खास नहीं, वही सब बातें जो आप लोग महसूस करते हैं कि हम ये करते होंगे वो करते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जब बातचीत करते हैं तो स्पेशली आलमगीर भाई के चेहरे पर एक मुस्कान होती है कि वो हरियाणा में बात कर रहे हैं, और हमें भी खुशी होती है कि हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे फोरफादर कभी रहा करते थे। तो चलिए आलमगीर भाई से बात करते हैं। आलमगीर भाई सलाम। वालेकुम सलाम जी, और जितने देखने वाले हैं सभी को सलाम नमस्कार मेरी तरफ से, आदाब जी। यहाँ से भी देखने वालों को बहुत बहुत, जो मेरी तरफ से देख रहे हैं उनको सलाम भी, और यहाँ वालों को राम राम भी। आलमगीर भाई, बड़े टाइम से आप मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, आपकी मसरूफियत मुझसे ज़्यादा है, मैं जानता हूँ। आप मुलाजिम भी हैं और आपके खुद के भी बड़े सारे बिजी शेड्यूल्स होते हैं। ऐसी बात नहीं है, असल में जब टाइम की बात हमने की है तो ये बस हम दुआ करते हैं मालिक से कि दुनिया की जान छुड़ाए ये जो आई हुई है वबा, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, तो आज बस असल में ये भी है जो कुदरत की तरफ से होता है कि आज ही टाइम बनना था या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही बनना था। हमारे यहाँ पे ना आज लॉकडाउन को ढील दे दी गई है पूरी, मतलब अब लॉकडाउन नहीं रहा, लॉक अप हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे तो अभी गवर्नमेंट, बल्कि ये दोबारा शायद हो रहा है कि दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए शायद, अभी कुछ नरमी है लेकिन बाकी लॉकडाउन अभी तक है। चलिए लॉकडाउन से निकलते हैं, आप अपने इधर चलते हैं, जो जिस वजह से हम लोग जुड़े हैं, सरहद पार आप बैठे हो, इधर मैं बैठा हूँ। हाँ जी हाँ जी। आलमगीर भाई, ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो ये ऐसे है कि सिलसिला तो एक सस्पेंस होता है, हमें जो बुजुर्गों के पास बैठते हैं, मैं शुरू से ही दादी जी के पास रहता था, तो वो क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो पहले ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, टीवी की कहानियां थी, बुजुर्गों कहानियां सुनाते थे, तो कहानियों के अलावा दादी मुझसे हमेशा पूछती जग बीती सुनाऊ हड बीती सुनाऊ। मैं कहता दादी ये क्या फर्क है, कहती जग बीती एक हड बीती, वो दादी मुझे डिफरेंस बताती इस बात का, तो फिर वो जब हड बीती सुनाती तो उसमें फिर है ना वो हड बीती यानी जो पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, तो वो फिर दादी ने हमेशा ही, नेचुरली बात है कि जो बुजुर्गों का हो ना बचपन में जहाँ पे गुजरा हो तो वो फिर एक्सपीरियंस वो सुनाते हैं, तो वो अपने सुनाती कि हमारे गांव में हमारे खेत थे, हरण होते थे, जोड़ों पे बंदर होते थे, तो मैं दादी को कहता फिर दादी मुझे भी लेके चलो, छोटा सा था ना, याद है मुझे अभी। अच्छा। तो दादी के भाई हैं, अब दादी के भाई भी यहाँ पे इससे काफी दूर है, लगभग 650-700 किलोमीटर दूर है सिंध में, मेहरापुर, ठीक है, काकड़ वाले मेहरापुर में है, तो ट्रेन में बैठ के जाता था, मुझे याद है ट्रेन की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं थी उस दौर में, तो मैं कहता दादी वहां पे जाते हैं तो अब भी चलो ट्रेन में बैठ के। हाँ। उसका सवाल दादी के पास जवाब होता नहीं था कि कैसे जाए दोबारा, कहते बेटा वहां नहीं जा सकते दोबारा, मैं वो बच्चे के तौर पे क्यों नहीं जा सकते दादी, लेके चलो मुझे भी दिखाओ,
बंदर हमारे पास नचाने वाले आते थे, तो हमें थोड़ा सा वो अच्छा लगता। मैं कहता इतने सारे बंदर होंगे जहाँ पे, कैसा इलाका होगा वो। हरण चिड़ियाघर में देख के आते, तो जहाँ पे ओपन हरण फिरते हैं वो। एक और दादी बताती थी, कोई वो देख नाम भूल गया हूँ मैं, मृग हरण हाँ और एक और जानवर होता आपके, कोई रोज रोज, सॉरी याद आ गया मुझे, रोज अच्छा रोज। तो मैं तो बस फिर ऐसे ऐसे समझ आ गई बातें। बस वो जो बचपन में ये सवाल नहीं थे, टाइम ने वक्त ने सारा कुछ बता दिया कि दादी क्यों नहीं लेके जा सकती, दोबारा क्यों नहीं जाएगी। दादी कहती बताती थी कि मैं तो खुद भी नहीं दोबारा जा सके बेटा, वहां तो हम खुद भी नहीं जा सकते, तुम्हें क्या लेके जाऊं। तो बस फिर वो वक्त ने, आपको पता है। तो अब जब सोशल मीडिया आया, तो मुझे पहले मैं लिखता था, खैर मैंने लिखे थे बहुत सारे बुजुर्गों के ना, वो लिखता रहता था क्या हुआ अच्छा था बना क्या था। ठीक है तो अब जब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप तो खुद उसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो। जी तो मैंने सोचा कि ये बेचारे के अब वो, बल्कि बहुत सारे तो चले गए, तो मैंने सोचा किसी तरह इनकी याददाश्त महफूज की जाए। अच्छा, एक शायद हैरानी हो आपको कि मैं ये काम सिर्फ है ना महफूज करने के लिए करता था, मुझे सेव हो जाएगी, मुझे पता नहीं था इसका यूट्यूब का भी। तो अच्छा एक दो बार एक मिनट हो गया, एक बार ये विंडो वगैरह उड़ गई कंप्यूटर की, तो मैंने डिस्कस किया लड़के से, तो उसने बताया कि आप यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करो। तो मैंने कहा भी यूट्यूब वाले तो हमें क्यों अपलोड करने देंगे। तो उसने कहा ये क्यों नहीं करने देते, ये तो मैं कर दूंगा ये तो। ओहो, अच्छा मैं कर दो। उसने अपलोड उसने की थी, दोस्त है मेरा, अच्छा तो उसने अपलोड की। तो उसके बाद मैं अपलोड करने लग गया दोबारा दूसरी वीडियो, मैंने कहा यार ये भी अपलोड कर दो। तो उसने बताया ये तो इतने सारे लोग देख चुके हैं, इतने सारे कमेंट्स आए हुए इस पे। तो फिर वो ऐसा ऐसा बस वो सिलसिला है जो कंटिन्यूली फिर मैं करता था, ये अब चल पड़ा। बस अब तो ये है कि मुझे ये नहीं था कि इंडिया वाले भी इसको देख पाएंगे, उस गांव वालों ने देखा। यहाँ पे भी ऐसा भी हुआ कि हमारे पास ऐसा है कि ये देखोगे ना आप, सियालकोट या रावलपिंडी से कराची तक हजारों किलोमीटर बन जाता है, और सारे एरिया में लोग, एक एक गांव के लोग इतनी दूर दूर फैले हुए हैं। इवन इंडिया से हट के पाकिस्तान में भी लोगों ने देखा एक दूसरे की वीडियो, हाँ तो ये तो वही बंदा, यहाँ तो हम आए थे, सिल्ला वाली तक हम इकट्ठे आए थे, खाने वाल तक तो हम कैंप में इकट्ठे थे, उसके बाद हम अलग अलग हो गए थे। लोगों ने यहाँ पे भी एक दूसरे से मिले हैं बहुत सारे लोग बिल्कुल जो एक ही गांव के। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे दादी के गांव वही बता देता हूँ, चलो दादी के गांव काकरूद के ही कुछ फैमिलीज ओकाड़ा में है और कुछ मेहरापुर में है। ठीक है दोनों का डिफरेंस लगाओ तो लगभग मेरे ख्याल 800 किलोमीटर बन जाता है। इस चीज से जज कर लें आप, यानी इतनी इतनी दूर लोग हुए। तो इस मेरी वीडियो से लोगों को दोबारा बहुत सारे लोग इवन पाकिस्तान में भी मिले हैं, बहुत सारे लोग उनके रास्ते हुए, कॉन्टेक्ट हुए, जी संपर्क हुए, और वो मिले एक दूसरे से बहुत सारे लोग। दादी जी आलमगीर भाई, दादी अपनी कहाँ से हैं? का गांव है जी नरवाना, नरवाना में कहाँ? नरवाना उचाना जी, उचा हाँ नरवाना के पास से काकड़ोद गांव है। उचाना उनका पोस्ट ऑफिस था, नरवाना तहसील थी, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट था सुनाम, सुनाम बताती थी दादी ने बताया हमेशा, डिस्ट्रिक्ट सुनाम, ठीक है तहसील नरवाना, डाकखाना उचाना और गांव काकड़ुद। और इसके पास बताती थी वो सुरबरा गांव, बताती थी कि हमारी जमीन सुरबरा में भी थी और काकड़ुद में भी थी, अच्छा बडनपुर बुडैन वो बताती थी, इनके पास पास के गांव थे बडन, बताती हैं बल्कि अब भी, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, दुआ है अच्छी सेहत दे। बडनपुर बुडैन सुरबरा उचाना नरवाना, थोड़ी दूर दूर के थोड़े से, फिर वो बताते रिश्तेदारियां थी उनकी, अपना दुनोदा गांव में रिश्तेदारी थी, इसके अलावा जो थे मामू थे उनके अलेवा, अच्छा दादी के मामू थे, यानी जी अलेवा था, यानी इन गांव में उनकी रिश्तेदारियां थी अच्छा जी, ये इनकी रिश्तेदारियां थी, तो मामू थे किसी मकाना। आलमगीर भाई, आप मुलाजिम हैं किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी? नहीं, मेरे गवर्नमेंट जॉब है और रेस्क्यू डिपार्ट है, रेस्क्यू अच्छा इंग्लिश में, अपनी जुबान में राहतकारी कह लेंगे। जी हमारा काम ये है, ये पाकिस्तान में सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, मैं बल्कि ये उसमें कहता हूँ कि प्राउडली कि ये इंटरनेशनल लेवल की सर्विस है, रेस्क्यू 112 है जी ये तमाम, यानी कोई भी बीमार हो गया, किसी टाइप का बीमार हो गया है, गिर गया है या कोई जल गया है,
या डिलीवरी केस है, कोई भी तरह का किसी तरह का भी कोई मसला है, तो फौरी तौर पे चंद मिनट के अंदर रिस्पांस करके हम उस बंदे को फर्स्ट एड दे के और हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। ये हमारी सर्विस। इसके अलावा एक और बता दूं, हमारी मोटर बाइक सर्विस है जो हर चौक यानी शहर के हर मेन चौक के ऊपर इक्विप्ड यानी ट्रेंड लड़के हैं उनके साथ, और फर्स्ट एड का सामान है, यानी किसी को हार्ट अटैक हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो बंदा शॉक में न जाए, दो विद इन टू मिनट एम्बुलेंस पहुंचने से पहले पहले उसको फर्स्ट एड दे दे, यानी कहीं ऐसे हार्ट अटैक हो गया तो उसको फौरी तौर पे मेडिसिन दे दी जाए तो बंदा शॉक में नहीं जाता और जिंदगी बच जाती है। इसके अलावा हमारी फायर सर्विस भी है, मॉडर्न फायर सर्विस, पहले फायर ब्रिगेड थी जैसे। इसके अलावा वाटर रेस्क्यू भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, इसका कोई डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो दरिया के किनारे पे नहीं है, यानी तमाम हर डिस्ट्रिक्ट दरिया के एक एक दो दो दरिया लगते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के साइड पे, और कोई गांव ऐसा नहीं है जिसको नहर नहीं लगती यानी पानी के लिए इरिगेशन के लिए। इस वजह से ड्राउनिंग केस यानी डूबने के पानी में डूबने के वाकयात भी आते रहते हैं, उसके लिए सर्विस है हमारी, यानी ये इंट्रोडक्शन है, इसमें मेरी जॉब है। क्या बात है आलमगीर भाई, आप बड़े अच्छे महकमे में काम कर रहे हो, आप ये कह लें कि इंसानियत का जो ये काम आप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं जॉब के लिए मेरे अब्बू ने कहा, कहता बस आलमगीर मैंने ढूंढ लिया तेरे लिए एक डिपार्ट, कहता तेरी नेचर देख लिया मैंने, तो क्यों मेरे कजन से पुलिस में थे, कई पुलिस में भर्ती हुए, अब्बू ने कहा यहाँ अप्लाई ना करो, तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको कहाँ अप्लाई कर रहा है, तो अब्बू ने बताया मैंने अप्लाई किया और मैं पहली अप्लाई में भर्ती हो गया था। क्या बात है, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, फैसला किया हुआ था ढूंढ लिया था शायद। अच्छा, मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे इधर देखने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि आलमगीर भाई एक्चुअली करते क्या हैं, या जिनको पता होगा पर्सनली आपने बताया होगा, मैंने कहा नहीं आज मैं आलमगीर भाई से कुछ जाती चीज़ें ज़रूर पूछूंगा, ताकि जितना प्यार मोहब्बत आप लोगों को यहाँ पे लोग करते हैं उससे और ज़्यादा प्यार मोहब्बत आपको लोगों यहाँ से करें। जी जी, बस मेरा वर्किंग भी, बस वैसे भी मैं बाय नेचर भी कभी खेत में भी गया हूँ, गुजरते वक्त कोशिश करता हूँ कि कीड़े मकोड़े भी अगर गुजरे तो अपना रास्ता बदल लूँ, मेरी दुआ भी वैसे मालिक से यही रहती है कि मेरे पैर के नीचे आके एक मकोड़ा कीड़ी भी ना मरे। क्या बात, यानी मेरी जात से नुकसान का भी। बस 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 बस, और जो ऐसी नेचर रखते हैं ना आलमगीर भाई, शायद वही आप जैसा काम करते हैं, आपको शायद पता नहीं है आप हरियाणा में हीरो हो। बस जी, नहीं एक बात तो है, ये तो चलो आपने मुझे बता दिया है, एक बात बताऊं कि मैं जहां पे भी गया हूं इंटरव्यूज करने के लिए, अब तो ऐसे हो गया है कि मैं मुझे भी लोग, क्योंकि नजदीकी से हट के लोगों को पता चल गया, कॉल करते हैं कि आलमगीर भाई आना इंटरव्यू करना, मेरे दादाजी हैं, मेरे नाना जी हैं, फला है, तो मैं जाता हूँ तो वो आपका नाम जरूर लेते हैं। अच्छा। कहते भाई इंडिया में कैसे भाई कर रहे हैं यहाँ पे, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, इंट्रोडक्शन करवा दिया है, लोगों को बताया है, पता चला है, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे लाजमी मस्ट आपका नाम लेते हैं। और एक और भी होता है कुदरती तौर पे है कि इंसान को मोहब्बत होती है, तो वो लोग कहते इंडिया में भी सराय की बोली जाती है। मैं अब पता क्योंकि आपकी वीडियोस देख के पता चलता है कि हमारी बोली के लोग इंडिया में भी हैं और इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, तो खुशी होती है लोगों को, जहरी सी बात है एक कि नेचर है, इंसानी नेचर है कि अपने जैसे लोग कहीं और नजर आए। फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा या इंग्लैंड जाते हैं तो हमें अपने एरिया का बंदा नजर आ जाए तो हमें अच्छा लगता है। इवन पाकिस्तान में ही अगर आप हरियाणा के लोग बंगाल में या महाराष्ट्र में जाए वहां एक और यहीं का बंदा मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कई सारे वीडियो ऐसे हैं, आपके कई सारे वीडियो ऐसे हैं जिनको देख के मैं कई बार रोया हूँ। अभी ताज़ा तरीन एक वीडियो देखा था जो नरवाना से एक इंट्रो में आपने वो डाल रखा था, दो बुजुर्ग लेडी थी जो कहने लग रही थी इब के करेगी जाके, वो कह रही थी कि मैं देख के आऊंगी, वो वो कह रही थी, वो बेचारी वो कह रही थी एक, मैं समझ गया हूँ, वो निर्मल गोत के हैं, ये भी बता दूं आपको। हाँ। उनका गोत है निर्मल, तो उन्होंने एक अम्मा जी का तो बता रही थी कि मुझे मेरा गांव दिखा दो, दूसरी कहती है अब क्या है वहां पे कुछ भी नहीं है, अब क्या करोगी जाके, तो दूसरी पार्टी आप वहां पे कुछ भी नहीं है, पहचान नहीं पाओगी। वो वीडियो मेरी माँ ने देखा, मेरे बाबू ने देखा, मैंने कहीं थी दिखाया वो, यार वो वीडियो वाकई, आपके तो खैर सारे वीडियो अच्छे हैं लेकिन कुछ वीडियो हमारे को यहाँ रह जाते हैं कि यार ये वीडियो है। हाँ,
है टचिंग होते हैं, दिल को छू के गुजरते हैं, कई कई बातें होती हैं ऐसी बहुत सारी। एक और बता दूं, बहुत सारी फैमिलीज मिली हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, एक नहीं है। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उनका वीडियोस का दोबारा इंट्रोडक्शन करूँ। इन वीडियोस की वजह से मिली है फैमिलीज, कोई 20-30 फैमिलीज ऐसी हैं जो वीडियोस देखने के बाद मिली हैं एक दूसरे के। हो ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। एक की कॉल बल्कि मेरे पास आई, उसी वक्त कहने लगे यार इस बुजुर्ग का नंबर तो दे दो। कहते ये मेरे अप्पू के सगे चाचा हैं और अप्पू मेरे तो रो रहे हैं वीडियो देखने के बाद। आज तक यानी 70 साल बाद हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है। इसी तरह बहुत सारी फैमिलीज हैं और भी हैं, मैं गांव का नाम भूल जाता हूँ। काफी सारी फैमिलीज हैं जो वीडियो देखने के बाद वो मिले एक दूसरे से। हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी थोड़ी सी मेहनत से लोग मिल गए हैं। इतने साल से बिछड़े हुए लोग, उनको इंट्रोडक्शन हो गया, आपसे पता चला, तो इससे बढ़ के वो जब पता चलता है तो सारी मेहनत पूरी हो, दिल कहता है कि ये सारी मेहनत पूरी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और आज के वीडियो में बस यही सोच रहा था, मैंने कहा यार आलमगीर भाई से आज एक बार एक वीडियो हो जाए, फिर अगले बार में एक ऐसा वीडियो करेंगे जिसके अंदर कुछ और बातें होंगी। आज मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसी कुछ बातें कर लें जिससे कुछ बातें सामने आएं, जैसे आपके बारे में पता चली चीज़ें और मेरे को खुद ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ें जाननी थी, स्पेशली ये उचाणा वाला कि हाँ जी आप यहाँ से थे। ठीक है, वैसे तो कई लोगों ने बताया हमारा गाँव था मेरे दादाजी और फैमिली गई थी जोरा गांव, उस वक्त पोस्ट ऑफिस था बरवाला, जोरा नियर बरवाला हिसार, हिसार बरवाला रोड पे हमारा गांव जोरा। इसके पास बाबुलपुर, बाडो, बिचपड़ी, सरसोद, जुगलान, खेड़ी बरकी, ये गांव थे। और इसमें बता दूं मैं कि आम रूटीन में पाकिस्तान में ये अपना ना जाट फैमिलीज जो मुसलमान जाट है सारे हर जगह अपनी स्पेसिफिक एरियाज में ही है। वैसे तो बिखरे हुए बाकी महाजनों की तरह थोड़े थोड़े थे, लेकिन इस एरिया में इन गांव में कई जो थे ना, खेड़ी बरकी में भी और जेवरा में भी भयान गोत के थे, अपना मूल जाट थे। इसके अलावा बैबलपुर में मेरे ख्याल है, बैबलपुर के मैं भूल गया हूँ कौन से हैं, एलावत हैं शायद, एलावत रोज हैं शायद, ये गोत था उनका। इन गाँव में यानी कुछ ये मूल जाट भी थे, मुसलमान जाट यानी थे, जो कुछ थोड़े बहुत रह भी गए हैं, बाकी मेजोरिटी पाकिस्तान आ गई। आलम भाई, दादी को लेके हिंदुस्तान गवा रहे हो? मैं बस सिचुएशन बने कोई, अब क्या बताएं, आपको पता है अब तो ये कोरोना की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अब आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, और पता नहीं अब क्या वजह है। हालांकि बार बार दोनों गवर्नमेंट्स ने कोशिश की है, मेरी होश आवाज के अंदर भी बहुत बार दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से कोशिश की गई। अब ये किस्मत की बात है, पता नहीं अब कब इस लेवल पे आएंगे रिलेशन के जो है जा सके। लेकिन बुजुर्ग तो जा रहे हैं, उस वक्त तक शायद एक भी बंदा ऐसा ना हो जो ये कहे कि मैं इस रास्ते से गुजर के आया था, ये इस गांव से आया था, जब रिलेशन ठीक हो। अभी ठीक होते तो जा सकते बुजुर्ग, और बस अब क्या कर सकते हैं। अब हम तो यही बड़ा है कि लोगों एक दूसरे से बात हो जाती है और उन्हें अपना गांव वीडियो पे देख लेते हैं या अपने गांव के लोगों से कुछ से बात हो जाती है। कोई ऐसा बंदा जो आपके गांव का आपको टकराया हो और उसने बताया हो जी ये बंदे यहीं के हैं, मैं उन्हें करतारपुर तो ला सकता हूँ दादी से मिलवाने के लिए, दादा से मिलवाने के लिए? इस तरह है बात के हुई है बातें भी, वीडियोस भी बहुत सारे लोग देखो ये मोहब्बतें हैं। ये मुझे भी पता है कि जब मैंने बताया कि मेरा जोरा गांव है तो बहुत दुनिया हरियाणा के बहुत सारे लोग जोरा गए, उन्होंने वीडियोस बना बना के सेंड की मेरे पास इनबॉक्स में कि ये जोरा गांव की वीडियो है, ये आपके गली मोहल्लों की वीडियो है। बहुत एक नहीं बहुत सारे लोग गए। इसी तरह जब दादी के गांव का पता चला काकरूद का, तो बहुत दुनिया काकरूद भी गई, उन्हें काकरूद की वीडियो बना के भेजी। इवन मैं और बताता हूँ आपको, जब मैंने बताया कि मेरे नाना जी थे कई कवि है, कई गांव कहते हैं उसके, मतलोडा स्पीदम रोड पे, मतलोडा से मटलोडा है पानीपत के पास, वहां से जो स्पीदम कहते थे स्पीदों को, उस रोड पे उस गाँव की भी वीडियो मेरे पास आई। तो मेरी नानी जी है उनके गाँव, उनका गाँव सिल्लाखेड़ी गाँव है जींद में ही, तो सिल्ला खेड़ी की वीडियोस भी लोगों ने भेजी। यानी लोग मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो गए उन्होंने वीडियोस भेजी हैं। इसी तरह बाकी भी लोग जिन्होंने कहा वीडियोस के अंदर कि हम अपना गांव देखना चाहते हैं, जो लोगों के पास में है उन्होंने वो तो किया, उन्होंने उनके गांव की, उनके खेतों की,
उनके घरों की वीडियोस बना के भेजी हैं, और यही चलो जी आज सोशल मीडिया पे इतना तो हो गया है कि लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट हुआ और पता चला। इसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छे रिलेशन होंगे लोगों के, जो बदगुमानी है या एक दूसरे के बारे में शकूक व शुभात है, तो जब बातचीत होगी एक दूसरे का पता चलेगा, दिल की बातें होगी, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में एक दूसरे के बारे में दिल साफ होंगे और रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल जी, इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी बैठे हैं और आप लोग भी बैठे हैं कि शायद एक बार सरहद खुलेगी और हम लोग, मैंने पहले भी अपने एक दो वीडियो में कहा है कि जब सरहदें खुलेंगी और आना जाना शुरू होगा सही ढंग से, तो भाई मैं इधर से अचार लेके आऊँगा, उधर से आलम भाई पराठे लेके आएगा, मिल बैठ के लस्सी के साथ सरहद पे खाएंगे। जो 47 में पाकिस्तानी एरिया से फैमिलीज इंडिया की तरफ गईं या इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आई, तो उनके बुजुर्गों ने बताया हुआ है अब हमारे लिए मुल्तान ऐसा ही है, मुल्तान से लाहौर कराची से बढ़ के हमें मुल्तान लगता है, और मुल्तान में हसैना गाई और कैंट से बढ़ के अपना गांव लगता है, लेकिन हसार का भी जब दिल नाम सुनते हैं तो दिल में एक मोहब्बत का जज्बा जरूर आता है। हसार का नाम सुनते हैं, जींद का नाम सुनते हैं, अपने बुजुर्गों के गांव का नाम सुनते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुझे भी ऐसे आपको आपका हसार कैथल बड़े प्यारे लगते होंगे, बड़ा मोहब्बत होगी वहां पे पैदा हुए पले बड़े, लेकिन मुल्तान का नाम सुन के आपके भी दिल में कहीं ना कहीं एक मोहब्बत का जरूर एक मौजूद जरूर होती है इंसान के अंदर। मुल्तान का नाम सुनते होंगे, खानेवाल का नाम सुनते होंगे, लोधरा का नाम सुनते होंगे, मुजफ्फरगढ़ का नाम सुनते होंगे, तो बहुत अच्छा ही लगता होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और आलम भाई, आज की गुफ्तगू में इतनी ही करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर और कोई किस्सा ही ना हो, आज जो हमने बातें की हैं बस यही लोग सुने, और अगले वीडियो में अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर बता दें इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि फिर आलमगीर और भाई मैं तैयारी करके बैठेंगे कि हाँ जी हमने एक दूसरे से शिकवा शिकायत करनी है। शिकवा शिकायत ये है, मैं बताऊँ एक बात और, चलो इस वीडियो के अंदर ये बता देता हूँ कि मैं टिब्बा सुल्तानपुर गया था, वहाँ की वीडियो भी मैं बना के लेके आया हूँ, और ये बता दूँ कि जो टिब्बा सुल्तानपुर आपका एरिया बहुत प्यारा एरिया है, काश के उम्मीद करता हूँ कि ऐसा टाइम आएगा कि आप देख सकोगे आके, आमों के बागात हैं, पानी बहुत अच्छा है। और एक और बता दो सुल्तानपुर की बजाय, एक और मुझे एक दोस्त ने बताया वो भी यहीं के हैं, शेख फैमिली के हैं जो माइग्रेटर हैं, तो उन कल्पा कल्पा गांव के हैं वो, अच्छा, कल्पा गांव अच्छा, के हैं अच्छा। तो उसने बताया, दोस्त मेरे ने उसने बताया कि एक्चुअल नाम इसका सुल्तानपुर है, टिब्बा सुल्तानपुर। हाँ, संता कोई माई थी, संता कोई लेडी थी, बहुत कोई अच्छी पॉश लेडी थी। उस दौर में दूर दराज से लोग गुजरते थे ना, ये रास्ता था, तो वो पानी टिब्बी पर के ऊपर घड़े भर भर के पानी के रखती थी कि लोग पानी पी सके सारा दिन, तो उसके नाम से फिर ये टिब्बा संतापुर था। बाद में लोगों को पता नहीं था कि संता क्या है, उन्होंने सोचा शायद सुल्तानपुर है, तो उन्होंने ही सुल्तानपुर कर दिया। तो एक्चुअल तौर पे यानी वो पानी भी आपके इलाके का बहुत अच्छा है, चारों तरफ जो टिब्बा एक कस्बा है तो उसके हर तरफ बागात है बहुत खूबसूरत, और वैसे बता दूं कि वहां पे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हाई स्कूल है, रेस्क्यू 1122 है, की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, जो थाना है टिब्बा सुल्तानपुर का बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, तो मैं ट्राई, और शहर भी बड़ा अच्छा है, बड़ी लोकेशन बड़ी अच्छी है कि वहां पे 24 घंटे ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रांसपोर्ट के लिए वो मेन आपने सुना होगा टिब्बा सुल्तानपुर चौक, तो वो मेन चौक है, 24 घंटे ट्रांसपोर्ट चलती है। अच्छा, तो उसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँ, असल में मुझे एडिटिंग का थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं वो क्या कहूंगा किसी दोस्त को, क्योंकि मैं जो वीडियो डायरेक्ट पूरी की पूरी वीडियो बना लूँ वो तो अपलोड कर देता हूँ, जिसमें एडिटिंग करनी हो तो मुझसे थोड़ी हो नहीं पाती, वो आपकी जो वीडियो बनाई है वो है थोड़ी टुकड़ों में, यानी एक चौक की वीडियो बना ली, फिर शहर की वीडियो बना ली, वो कई टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनको फिर मैं करवा के जॉइंट वो भी अपलोड करूंगा कि आप अपना शहर देख सको। कोई नहीं, आप मुझे भेज दो मेरे शहर की वीडियो, मैं एडिट करके आपको दूंगा। मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको भेज देता हूँ, बल्कि मेरे को खुशी होगी, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि आलमगीर भाई ने वो वीडियो वहां से शूट किया और एडिट मैं ही यहाँ से कर रहा हूँ, ताकि दोनों की मेहनत मिलके एक अच्छी वीडियो बने। ये अच्छा आइडिया, वैसे ये अच्छी सोच है। ठीक है आलमगीर भाई, अभी आज के लिए इतना ही, लेकिन जल्दी ही एक और हमारी मुलाकात होगी, इसका वादा आपसे ले रहा हूँ। ठीक है जी, जरूर, मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए अच्छी उम्मीद, और पाकिस्तान की तरफ से
सभी जो देखने वाले हैं और एक अच्छी उम्मीद रखते हैं, तो मैं भी यकीन दिलाता हूं कि जरूर टाइम आएगा, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अपने दिल को साफ रखना पड़ेगा, और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए हमें। और मुझे यकीन है कि टाइम के साथ साथ सब मामला ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है जी, शुक्रिया। मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए सलाम, नमस्कार, राम राम, आदाब। जी तो ये थे हमारे आलमगीर भाई। मैंने इनसे वादा ले लिया है कि हम लोग एक अच्छे वाला वीडियो, नो डाउट ये भी आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन अच्छे वाला मीन्स कि जिसमें हम लोग कुछ अपने व्यूवर्स की बातें कर सकें, कुछ शिकायतों वाली बातें कर सकें, उस बात को हम लोग अपने वीडियो में रखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, जैसे जैसे देख रहे हैं, इसको उन लोगों तक तो ज़रूर पहुँचाएँ जो आलमगीर के फैंस हैं और हमारे देखने वाले जो सरहद पार बैठे हैं। शुक्रिया।